हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है तुम्हारा साडे चैनल पे जिसका नाम है रीत व्लॉग। सो आज का रैंडम व्लॉग है, सैटरडे को ऐसे ही स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली आज सैटरडे को थोड़ा जल्दी फ्री हो जाती होती हूँ मैं, सो घर पे आके एक्चुअली दाल बनाई थी, उसको पहले बॉयल करवा रही हूँ सो दैट ख़राब ना हो जाए। एक बार बॉयल कर लूँगी फिर हम लोग रात को ये खाएंगे। एंड साथ में आज बना रहे हैं आलू बीन्स, जो कि मुझे अच्छे लगने लग गए हैं। पहले मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे लेकिन अब मुझे पसंद आने लग गए हैं। एंड आजकल जो है ना, हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह भी जो है वो स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं। इंस्टामार्ट स्विगी का है जो, जिसपे वो लोग आपको ग्रोसरीज वगैरह जो है होम डिलीवर कर देते हैं। एंड मैं काम पे होती हूँ ना, वहीं से ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। जब तक मैं आती हूँ, टाइम शेड्यूल कर देती हूँ, तब तक वो डिलीवर हो जाता है घर पर। इस बार इन्होंने इस तरह के पैकेजिंग में भेजा है, वरना पहले ये लोग यूजुअली ना, अगर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर करो, इस बार मैंने ज़्यादा कुछ सामान मंगवाया नहीं था। अगर जब मैं ज़्यादा चीज़ें मंगवाती हूँ ना, ये लोग बहुत अच्छे से बैग में भेजते हैं। एंड ये मेरी सब्जियाँ जो मैंने अभी, मुझे ज़रूरत जो चीज़ों की थी ना, मैंने वही ऑर्डर किया है, जैसे कि टमेटोज, ग्रीन चिलीज। एंड काफ़ी अच्छे पैकेजिंग बहुत सही होती है। बिग बास्केट से ज़्यादा मुझे इंस्टामार्ट अच्छा लगा है। अनियन एंड और क्या मंगवाया था, पटेटो मंगवाए थे आई गेस, यस। सो हियर दे आर। हाँ जी, सो दिस इज लाइक द नेक्स्ट डे। एंड हम लोग आ जाए थे यहाँ पे, एक मेला लगा हुआ है सेक्टर 34 में, जो है अक्सर यहाँ पे लगता रहता है इस ग्राउंड में। एंड इस बारी जो है हमने सोचा संडे है एंड क्यों ना देखाएं। फिलहाल हम लोग एंटर हो चुके हैं। 20 रुपीज़ इसकी टिकट है ना, 20 रुपीज़ टिकट है। एंड वो मैंने आपको दिखाया, ये इसकी एंट्रेंस है। एंड इतना है पीछे, आप देख लो, सारी तरह की शॉप्स लगी हैं। एक बार हमने चक्कर लगा लिया है, वैसे मतलब एवरीथिंग है, कपड़े, बुक्स भी हैं। मुझे बुक्स वाला स्टॉल जो था मैं देख के आई हूँ अभी, वहाँ पे अच्छी लग रही हैं, देखती हूँ। एंड लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर। हाँ जी, सब मेरे साथ है मिस्टर सिंह। एंड मुझे यहाँ पे कॉल आ रही थी तो मेरी ऑडियो जो है वो म्यूट हो गई। एंड मैं यहाँ पे यही बोल रही हूँ कि लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर द मार्केट। सबसे पहला वाला जो काउंटर है, ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, क्योंकि इनके पास ना वो है थोड़ी इमली वाली जो गोलियाँ गुलियाँ होती हैं। आ जाओ, आपको दिखाती हूँ। ये अचार वगैरह रखा हुआ है अंकल ने। एंड इधर ये सारी इमली वाली गोलियाँ, वाओ बहुत ही अम्मी लग रहा है, मेरे मुंह में पानी आ गया देख के। हाँ, पापड़ भी है, लिखा भी हुआ है उन्होंने पापड़ ही पापड़। लेना है कुछ इधर से। एंड इधर कुछ कपड़े लिए हमने यहाँ से, पानी की बॉटल 30 की दी है उन्होंने। और ये बाहर से हम लेते हैं तो 20 की होती है ना बॉटल, मतलब अंदर ना चीजें महंगी मिल रही हैं। वैसे हम तो वैसे घूमने फिरने के लिए आए हैं। हाँ, इस साइड पे पंजाबी जुत्तीज हैं। और ये बच्चों के टॉयज का स्टॉल भी है बाय द वे यहाँ पे, ये देखो। एंड इधर जो है बुक स्टॉल लगा हुआ है, जो कि मैं देख लिया मैंने एक बार ही ये भी जो। एंड ये कुछ सूट्स हैं, ये वो वाले सूट होते हैं ना जो जम्मू कश्मीर वाले, मतलब मनाली में मिलते हैं ना ऐसे। हाँ, नहीं मतलब ये कढ़ाई जड़ी है हिमाचली सी। पंद्रह में से यहाँ पे ना, वो मुझे अच्छी लगती हैं, वो सेल्फ हेल्प बुक्स है ना जड़िया। ये देखो सूट्स। एंड इस साइड पे राइड्स भी हैं बाय द वे, वो देखो, जो कि हमारा अभी बिल्कुल मन नहीं है, भूख लगी है, पता नहीं क्यों। कुछ खाने पीने का, खाने के भी स्टॉल लगे हुए हैं अंदर, भेलपूड़ी, गोलगप्पे, बट यहाँ से कुछ नहीं खाना, हम लोग बाहर से देखेंगे। ओ, वहाँ सामने ना मेरे, मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है, एक सॉफ्ट टॉय वाला सेक्शन है 200 रुपीज़ की उन्होंने आज। और इधर लहंगे भी हैं, ये देखो, आ जाओ दिखाए। Thank you.
एक्चुअली हम लोग एक बारी जब गुरदासपुर में गए थे ना, वहाँ पे जो फेयर लगा था वहाँ पे भी ऐसी ऐसी आइटम्स थी, क्योंकि उस साइड पे फर्नीचर भी है, कोई नहीं था वहाँ पे, टिकट कोई नहीं थी। हाँ बस ये डिफरेंस था। हाँ सही बात है, यहाँ पे 20 रुपीज पहले टिकट है, चीजें सारी वही है, फर्नीचर है, कारपेट है, बाकी ये प्लास्टिक का सामान है, इधर वही 20-30 वाली चीजें जो होती है ना, एंड झूले लगे हुए हैं, सेम माहौल है, बस ये है कि कपड़े वगैरह, हाँ टॉप्स वगैरह हैं। यह है कि इन्होंने ये मतलब बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, छुट्टी वाले दिन लोग आ रहे हैं। बट जब मैं पीजी में रहती थी यहाँ पे, उस टाइम पे भी ये लगता होता था, तब क्राउड बहुत होता था, उस टाइम पे ना बहुत भीड़ होती थी, पता नहीं आज संडे होने के बावजूद भी इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। मे बी शायद आना स्टार्ट होंगे लोग, इवनिंग में ज्यादा आएंगे मे बी, काफी दिन लगा रहता है ना। हाँ काफी दिन लगा रहता है, 4 से लेके शायद 15 या 17 तक लिखा हुआ है इन्होंने ना, ये लगा रहना है। आओ हाँ इस तरफ, ये भेलपुटी देखो आओ, प्लास्टिक की चीजें है ना ये, जो देखते हैं किस तरह की आइटम्स हैं, इसको अभी और एक्सप्लोर करते हैं। मैं कप्स देख रही हूँ घर के लिए, अगर कुछ अच्छे मिल जाए तो, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे कप्स भी इन्होंने थोड़े ज्यादा ही कॉस्टली बनाए। लेट्स सी, सेम मटेरियल है ना जो हम घर पे लेके गए थे, कौन है यहाँ पे दिखाने वाला, इधर ही ये 200 के 6 बोल रहे हैं, मतलब 400 के दर्जन हो गए। ये वाले देखो अलग, बट बहुत क्वांटिटी बहुत कम है इसकी। Let's go somewhere else. फर्नीचर देखो, ये क्या है, बेल भी रखी इसके ऊपर, वो आएगी वॉल पे लगाने वाला है। वो देखते हैं, वो टेडी वाले सॉफ्ट टॉय, क्या बोले 100 का है ये, कोई भी पीस है ना जो इसमें से, और वो वाले 200 के हैं, और ये वाले 50 के हैं, ये छोटे छोटे से है ना, क्यूट क्यूट से है ना, ये क्यूट है ना। एंड बाय द वे मेरा आउटफिट तो दिखा दो, ये शर्ट मैं जो आपको लास्ट वीडियो में दिखा रही थी ना, अमेज़न से जो ऑर्डर करी थी, कैसी लग रही है कमेंट करके बता देना, ठीक है। मुझे अच्छी लग रही है, मतलब मुझे थोड़ी क्लासी सी, कलर वाइज मास्क ला ले, अच्छा लग रहा है। मास्क यार ज्यादा थोड़ा ब्रीद कर रही हूँ, आसपास ज्यादा लोग नहीं है ना यहाँ पे। ओके सो घूम फिर लिया है, पीछे म्यूजिक चल रहा है, ज्यादा बोलूंगी नहीं, कॉपीराइट आ जाएगा। अभी खाने लगे हैं कॉर्न्स, जाओ एक कर दो,
जो लोग मेरी पिछली वीडियो भी देख चुके हैं आपको पता चल गया होगा कि कॉर्न्स मेरे कितने फेवरेट हैं। सच्ची में मुझे बहुत पसंद है, बाकी चीज़ों को छोड़ के मैं इनको प्रेफर करती हूँ, पता नहीं क्यों अच्छे लगते हैं मुझे। गरम गरम ये रजिस्टर्स वगैरह जो है ना 100 रुपीज़ पर के जी मिल रहा है यहाँ पे, और उस साइड पे नॉवल्स पड़े हैं वो 250 रुपये किलो मिल रहे हैं, एंड उधर जो बुक पड़ी है ना उनका प्राइस के हिसाब से ही है मुझे लग रहा है, और वो भी ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं जो सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह होती हैं ना। मैं पूरा चक्कर लगा चुकी हूँ यहाँ पे। कहते ध्यान किधर है, ध्यान इधर ही है हमारा। हाल है जी, बढ़िया। खाना खाना अपने ना मैं नहीं मान के की दे रहे। मैं देख रही थी बट अभी कॉम्बिनेशन नहीं ना बनेगा कोई, अभी पान नहीं खाना, ये यहीं पर है, वापस फिर कभी आएंगे। तो जहाँ मर्जी जाके आ जाओ, पर चाय जो है वो अपने घर पे आके पीने का मज़ा आता है। हेयर इज़ आर चाय रेडी, अब हम लोग चाय इन्जॉय करेंगे एंड थोड़ी देर करने वाली हूँ मैं रेस्ट, एंड फिर करूँगी ये वाला व्लॉग एडिट। एंड आप लोगों को भी अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इफ यस देन प्लीज कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट जरूर करके बता दिया करो कैसा लगा, एंड आप लोग कैसे हो ये भी मुझे बता देना। एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड डोंट फॉरगेट आवर फंडा, अ लिटिल मोर काइंडनेस, अ लिटिल लेस जजमेंट। बाय।